पिछले दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट देखी। मेरी एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं सर्वप्रिया। उन्होंने लिखा कि मरने के बाद आप कैसे खुद को याद रखना चाहेंगे, आप नहीं दुनिया। कईयों ने जवाब लिए, कईयों ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं जब तक जीऊँ तब तक अपने आप को खूब याद रखूँ, दुनिया का क्या है जैसे भी याद रखे। इस सवाल को पढ़कर मैंने फेसबुक पर तो अपनी टीप नहीं लिखी, पर मैं सोचने लगा कि जब मैं गुजरूँ तब क्या हो। और मेरे दिमाग में जो बहुत सारे विकल्प आए उसमें से एक था कि मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है, मेरी तमन्ना है कि मैं हाथ के बने कागज़ पर, कालपी का हैंडमेड पेपर हो, कोई हो जो स्याही को बरतना जानता हो, कैलीग्राफी अच्छी करता हो, वो उस कागज़ पर मेरा फेवरेट गाना लिखे, उसे मैं अपने घर में मढ़वा के रखूँ। इधर तो बहुत पहले मढ़वा लिया है। वो गाना है, वो साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरह दी ऐसे कि छूटे अब कभी ना। उस गाने को मेरे दोस्त ने लिखा है, ये राजशेखर हैं। मेरा नाम सौरभ है और आप ललन टॉप अड्डा देख रहे हैं, जहां आज दो यारों की बतकही होगी दुनिया जहान के मसलों पर, जो कि पिछले कई घंटों से कैमरे के पीछे हो रही है। फिर हमें लगा कि ये सत्संग तो है तो इसका सुख सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप अड्डे पर। इसी गाने से शुरू करते हैं। कई बार कर चुका हूँ, जब मिलेंगे तब करेंगे। ओ साथी मेरे हाथों में अब तेरे हैं, गोद में रख के साथी चांदी चुनेंगे हम, मरना मर। ये गाना फिल्म में नहीं है, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में, आप जिसके गीतकार हैं, क्यों नहीं है? इतना खूबसूरत गाना सोनू निगम ने इतना अच्छा गाया, फिल्म में क्यों नहीं है ये गाना? ये मैंने आनंद एल रॉय से भी शिकायत की है। अपने बिल्कुल शुरुआत में एकदम दुखती रख दें, हाथ रख दी। एडिट पे ये गाना, इसमें मेरी भी गलती है कि ये गाना लिखने में बहुत वक्त लग गया। सबसे लंबा वक्त लगा था इस गाने को लिखने में, क्योंकि जो मीटर है ना इस गाने का, जो वो बहुत आधा टेढ़ा सा है, मतलब कोई भी बदलता रहता है। हर लाइन में एक नया वो है, तो कोई, और जो धुन पहले बन गई थी वो धुन इतनी प्योर थी कि मुझे लग रहा था कि कुछ गाना धुन पे लिखा गया था। जी अच्छा, कि लग रहा था कि अगर कुछ भी ऐसे सिर्फ मतलब भर दिया शब्द तो जो उसकी प्योरिटी है वो ख़त्म ना हो जाए, ये लग रहा था हमको। तो बहुत एक एक चीज़ बहुत ध्यान से लिख लिख के वक्त देर हो गई इसमें, और तब तक आनंद के दिमाग में कुछ प्लान था इस गाने को शूट करने का, पर वो कुछ देरी और कुछ फिर बाद में एडिट पे बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं, निकल जाती हैं फिल्म के पेस के साथ, वो करने में कि स्लो ना हो जाए, ज़्यादा दुखी ना हो जाए ऑडियंस, या तमाम तरह की चीज़ें हैं उसके साथ, कहीं ना कहीं ये गाना रह गया। इसके एक जगह धुन आती है, और सोनू जी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि सोनू जी ने कहा था कि जैसा आपने कहा, सोनू जी ने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँगा, वो बहुत लंबी उम्र हो उनकी, उन्होंने कहा कि तो मैं चाहूँगा कि ये गाना बजाया जाए, मतलब कुछ जो गाने बजाए जाए उसमें एक गाना ये भी हो, जो भी हमारा हो, मीठा हो या खारा हो। जी हाँ, तो मैं सोनू जी को मैं एक बार मिला, उसके बाद तो मैंने कहा, वो बहुत दुखी हो गए कि यार ये गाना फिल्म में नहीं रहा, हालांकि वो इतने बड़े कलाकार हैं कि उनको एक गाने से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी शायद वो एक अटैचमेंट होगा इससे, तो इस तरह से। तो मैंने वही कहा कि उनको एक लाइन गाने की कही कि कितना भी हम रूठे पर बात करेंगे साथी, मरना मत साथी। आपने अगर ये गाना नहीं सुना है तो बहुत ही जाबड़ वाली मेरी रिकमेंडेशन है, गो एंड गूगल दिस। ओ साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरह दी ऐसे कि छूटे ये कभी ना। जी